इंदौर में भले ही अभी तक औसत से आधी बारिश हुई है, लेकिन संभाग के अन्य जिलों में काफी अच्छी और भारी बारिश हो रही है। इसे देखते हुए संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने सभी जिलों के कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। लगातार बारिश और बदलते मौसम की वजह से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश भी दिए। संभाग आयुक्त दीपक सिंह के मुताबिक इंदौर संभाग के कई जिलों में अच्छी बारिश हो रही है, कई जगह नदियां उफान पर है और बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इसे देखते हुए सभी कलेक्टरों को उचित एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। लोगों को बारिश के दौरान स्वच्छ पेयजल मिले, इसके लिए भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा पूरे संभाग में मेडिकल कॉलेजों के सहयोग से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इनमें बड़ी संख्या में लोगों की स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों बीमारियों का डायग्नोस कर उनका इलाज किया जाएगा। संभाग आयुक्त ने सभी अधिकारियों को किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के भी निर्देश दिए। इंदौर संभाग के जो अनुसूचित जनजाति बाहुल क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर हम लोग इंदौर संभाग के जो जिला कलेक्टर्स हैं, जो मेडिकल कॉलेज इंदौर और खंडवा के हैं, इसके साथ ही जो इंदौर के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इनके सभी के सहयोग से हम हेल्थ कैंप लगा रहे हैं। इसके अंतर्गत अभी तक इंदौर ज़िले में महू, खरगोन ज़िले में भीखनगाँव, झाबुआ ज़िले में झाबुआ, अलीराजपुर ज़िले में अलीराजपुर में, बुरहानपुर ज़िले में नेपानगर में अभी तक हेल्थ कैंप हम लोग लगा चुके हैं और अब खंडवा के पंधाना में ये स्वास्थ्य शिविर कल शनिवार को आयोजित है और इसके बाद धार के मनावर में भी हम आयोजित करेंगे। बड़वानी के सेंधवा में ऑलरेडी ये कैंप लग चुका है। इन हेल्थ कैंप का उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में, विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में, ऐसे लोग जो कोई स्वास्थ्यगत कारणों से अपना इलाज कराना चाहते हैं, अपनी जांच कराना चाहते हैं, लेकिन वो करा नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए हम शासकीय मेडिकल कॉलेज, निजी मेडिकल कॉलेज, इंदौर के विभिन्न जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ से जो डॉक्टर्स हैं, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स हैं, उनको भेज रहे हैं। इसके साथ ही कैंसर की जाँच के लिए, सिल्कोसिस के जाँच के लिए, टीबी की जांच के लिए, ब्लड प्रेशर, शुगर और अन्य बीमारियों के जांच के लिए आवश्यक उपकरण, संसाधन, एक्सपर्ट्स भी भेजे जा रहे हैं। इन स्थानों पर सोनोग्राफी की मशीन्स भेजी जा रही हैं। जो भी लोग आ रहे हैं उनका निशुल्क सारी जांच हो रही है। ऐसे लोग जिनको भविष्य में किसी सर्जरी की आवश्यकता है, इलाज की आवश्यकता है, उसका पूरा एक रिकॉर्ड कीपिंग जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में CMHO के द्वारा किया जा रहा है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनका या तो शासकीय अस्पताल में, शासकीय मेडिकल कॉलेज में, या निजी अस्पताल और निजी मेडिकल कॉलेज में भी उनका समुचित उपचार हो सके। और प्रयास ये है कि इस तरह के जो हेल्थ कैंप हैं, निकट भविष्य में हम सभी विकासखंड स्तर पर लगाएँ। जिनको किसी उपचार की, सर्जरी की आवश्यकता है, उनको आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, रेड क्रॉस के माध्यम से या CSR के माध्यम से निशुल्क उनका उपचार की व्यवस्था भी की जाए। सर, अब तक हम कितने मरीजों को इसके फैसिलिटी दे चुके हैं? अभी तक जो हमारे 6 कैंप आयोजित हुए हैं, लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग इन कैंप्स में आए हैं और जो लोग चिन्हित हुए हैं उनके उपचार की व्यवस्थाएँ हम लोगों ने शुरू कर ली हैं। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।